जी स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने किया वो था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। और हमने देखा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स में जो कैपेसिटेंस होती है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है, यानी कि हम कैसे कैपेसिटेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर हम कोई मीडियम जो है वो इंसर्ट करते हैं। हमने कैपेसिटेंस पढ़ी C = Q/V और हमने मीडियम डिपेंडेंट कैपेसिटेंस पढ़ी, वो थी हमारे पास A ε0 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER/D। जब हम ये डाइलेक्ट्रिक जो है या कोई मीडियम जो है अगर हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है जी, ये हमारे पास के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अगर हम इसके दरमियान कोई मीडियम जो है वो इंसर्ट करते हैं तो हमने उस मीडियम का इफेक्ट देखा कि इस मीडियम के इफेक्ट से क्या होता है कि कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ कर जाती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? हम इस फॉर्मूले से जो है वो हमने एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया कि V जो है एक्चुअली डिक्रीज़ हो जाती है। वो डिक्रीज़ क्यों हो जाती है कि इन पैरेलल प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है due to the इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, वो डिक्रीज़ हो जाती है। वो हमने फाइंड आउट की थी, किसके इक्वल थी? σ/ε0। हम देखेंगे कि सिग्मा जो है एक्चुअली जब डिक्रीज होता है, सिग्मा हमारे पास क्या है? चार्ज डेंसिटी जो है यह हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया जो है एक्चुअली ये डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? कि ड्यू टू सम डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक हमारे पास कौन सा हो सकता है? कोई प्लास्टिक हो सकती है, कोई वुड हो सकता है, कोई पेपर हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स आवर कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बट पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज डेवलप्ड बिटवीन द टू प्लेट्स डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक होता क्या है? एक्चुअली आपको पता है कि हर चीज किससे मिलकर बनी है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स। और ये एटम्स मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बने होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि एक प्रोटॉन के साथ कोइंसाइड करने वाला जो ऑपोजिट चार्ज है वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या आप ये कह लें कि कॉन्सेंट्रिक जो पार्ट्स होते हैं प्रोटॉन के, उसके कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स जो उसके ऑपोजिट होंगे वो कौन से होंगे? नेगेटिव होंगे। या आप कह लें कि सेंट्रल जो पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑपोजिट सेंट्रल क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब एज अ होल जो है हमारे पास जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंपाउंड्स की फॉर्म में अकोमुलेट होके जो है कोई भी मटेरियल जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अब ये मटेरियल प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, व्हाटएवर। ये मीडियम जो है ये किससे मिलकर बना है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स से। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो एज अ होल क्या है? न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रिक पार्ट्स हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। इनके जो चार्ज डेंसिटी है वो किस तरह है? कॉन्सेंट्रिक है एक दूसरे के साथ। या आप ये कह लें कि हम कहते हैं कि जी हमारा जो मटेरियल है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है आयंस हैं उनसे मिलकर बना है, ठीक है। अब ये नेगेटिव आयंस हमने पढ़ा है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आपको पता है कि अगर कोई मीडिया जो है हमारा वो अगर हम रख लें यहाँ पे कंडक्टर, तो कंडक्टर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्रीली मूव का मतलब ये है कि उनकी एक वॉइड्स होती हैं, या उसको हम नाम देते हैं विसिनिटी का। ये चीज़ें आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, ये थोड़ा मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ। विसिनिटी वो एरिया होता है, वॉइड्स वो एरिया होता है एक्चुअली जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है फ्रीली मूव कर सकते हैं बट दे डू नॉट लीव द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उसको लीव नहीं करते। विद इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनकी जो वॉइड्स या उनकी विसिनिटी होती है उसके अंदर वो मूव कर रहे होते हैं, या उनके लिए उनको फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस अवेलेबल होती है। अब जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक जो है इंसर्ट करना है बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में या आप कोई भी मीडियम जो है उसको अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होती है। जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो करेगी क्या कि वो इन दो चार्जेस को पुल अपार्ट करेगी, इन दो चार्जेस को वो सेपरेट करने की कोशिश करेगी। इस पे फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब वो होगा ये कि दो ऑपोजिट जो प्लेट्स हैं, चार्ज प्लेट्स हैं, ऑपोजिट चार्जेस को अपनी तरफ क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी, जो कि मीडियम के अंदर है। मीडिया हमारे पास कोई भी हो सकता है। अब वो मीडिया किससे मिलकर बना है? मॉलिक्यूल्स और एटम से, तो इनके जो है दो दो पोल बन जाते हैं या बाईपोलर मीडियम बन जाता है, जो ऑपोजिट चार्ज को स्लाइटली थोड़ा सा चार्ज जो है स्लाइटली जो है नेगेटिव चार्ज जो है थोड़ा सा इससे परे हो जाएगा, आप कह लें इस पोजीशन पे आ गया है, जो उसकी विसिनिटी थी या उसकी जो वॉइड थी वो इंक्रीज कर जाएगी, जो नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, स्लाइटली अट्रैक्ट होगा, कंप्लीटली वो उससे फ्री नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो उस मटेरियल से बाहर नहीं आ जाएगा, लेकिन क्या होगा वो स्लाइटली एक तरफ आ जाएंगे, यानी स्लाइटली जो है वो पार्शली जो है नेगेटिव चार्ज एक साइड पे, पार्शली पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएगा इस पोजीशन में, यानी पॉजिटिव प्लेट की तरफ नेगेटिव और ऑपोजिट नेगेटिव, फिर नेगेटिव प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्लाइटली शिफ्ट कर जाएगा। तो इस फिनोमेना का हम नाम देते हैं पोलराइजेशन का, यानी कि ड्यू टू द प्रेजेंस, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी, द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स पोलराइज्ड, पार्शली पॉजिटिव और पार्शली नेगेटिव जो है या स्लाइटली जो है वो डिस्प्लेस कर जाते हैं, आयंस जो होते हैं वो ऑपोजिट चार्ज की तरफ क्या कर जाते हैं स्लाइटली डिस्प्लेस कर जाते हैं, हम कहते हैं कि वो मीडियम जो है वो पोलराइज्ड हो गया है। अब हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो होती है सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा जो है वो चार्ज डेंसिटी। अब बच्चों होगा ये कि जो मीडिया जो है इसकी जो ऑपोजिट चार्ज जो है वो अकोमोलेट होना शुरू हो जाता है, उसकी जो लेयर्स बनना शुरू हो जाती हैं, वो लेयर्स इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं इनके ऊपर लेयर्स जो हैं वो अकोमोलेट होना शुरू हो जाती हैं, वो इन को हिंडर करना शुरू कर देती हैं, ऑब्स्टाकल्स आने शुरू हो जाती हैं, या कह लें कि वो इन लेयर्स के ऊपर लेयर बाय लेयर जो है वो पॉजिटिव प्लेट के ऊपर नेगेटिव लेयर्स आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है, और जो पॉजिटिव प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव और नेगेटिव प्लेट के ऊपर क्या आएंगी पॉजिटिव लेयर जो है, जो उनके कंसेंट्रिंग पार्ट्स हैं, जो आउटर एजेस हैं, एजेस के ऊपर जो है वो नेगेटिवली लेयर और पॉजिटिव चार्ज के ऊपर नेगेटिव लेयर और पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव और नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव लेयर जो है इन जो पोलराइज मटेरियल की जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि जो चार्ज डेंसिटी थी हमारे पास क्या थी चार्ज पर यूनिट एरिया, तो उनका जो यूनिट एरिया होता है वो डिक्रीज कर जाता है, जिस वजह से चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, यानी कि चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुई इसका मतलब है ई भी हमारी क्या कर जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। जब ई डिक्रीज होती है कम होती है तो ऑल्टरनेटिवली हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डिवेल्प होता है बिटवीन द प्लेट्स वो क्या हो जाता है कम हो जाता है, जिस वजह से हमारी कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करने से कैपेसिटेंस में क्या हो जाता है इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो था इफेक्ट था वो था पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, यानी जिसके नतीजे में हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स जो डेवलप हुआ है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। वो क्यों कम होता है, हमने देखा कि मटेरियल पोलराइज हो जाएगा, ऑपोजिटली डाइपोल्स बन जाएंगे और उनकी लेयर्स अकोमोलेट होना शुरू हो जाती है, जमा होना शुरू हो जाती है टू द कंसेंट्रिक पार्ट्स, टू द सेंटर्स ऑफ द प्लेट्स या उसके एजेस होते हैं प्लेट्स के जहां पे चार्ज डेवलप हुआ होता है उसके ऊपर उसके ऑपोजिट चार्ज जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, बाउंडेड होना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज डिक्रीजेस बिकॉज We know that charge density sigma is charge per unit area, so unit area कम होना शुरू हो जाता है, चार्ज टोटल जो एक यूनिट एरिया पे जो इतना चार्ज इतने एरिया पे डेवलप हो रहा था अब ये इतना एरिया जो है वो ऑक्यूपाइड हो चुका है, अब एरिया इतना रह गया है, ठीक है, पहले एरिया ज़्यादा था अब एरिया कम हो गया है, ये चार्ज डेंसिटी में कमी आ जाएगी। चार्ज डेंसिटी में कमी का मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द फील्ड विच इज डेवलप्ड बिटवीन द टू प्लेट्स वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो ऑल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द टू प्लेट्स वो भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी कि जब वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो ऑटोमेटिकली कैपेसिटेंस जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं द कैपेसिटेंस ऑफ अ मीडिया या कैपेसिटेंस व्हेन वी इंसर्ट सम मीडियम having greater value as compared to the capacitance of a parallel plate capacitor having vacuum or air between the plates।